सबसे जरूरी बात कि विश्वास में धनी हो, यानी स्मरणा की कलीसिया इतना सब कुछ सहन करने के बाद, इतनी मुसीबत, अगर आज इतनी मुसीबत मेरे आपके ऊपर आए तो मेरे ख्याल से हमारा आपका विश्वास डगमगा जाए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से दूसरे खंड के विषय में, जहां लिखा है 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। पिछले संदेश में हमने सीखा था स्मरणा की कलीसिया का प्रथम भाग, जी हाँ, और उसमें हमने 4 पॉइंट जो थे वो क्लियर करे थे कि स्मरणा की कलीसिया का जो था परिचय था, और स्मरणा की कलीसिया का समय काल था, स्मरणा की कलीसिया के दूत के विषय में था। तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी। आज हम स्मरणा की कलीसिया से जो है, जो 5वां भाग है वो हम सीखेंगे कि आखिर 5वां भाग है क्या। 5वां भाग है स्मरणा के दूत के समक्ष मसीह का विवरण या परिचय। ठीक है, पिछले संदेशों में हमने मसीह का विवरण या मसीह का परिचय के विषय में हम सीख चुके हैं, और परंतु यहां पर रिविजन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है बहुतों ने नहीं सुना हो सकता बहुत समय हो गया हो, बहुतों के दिमाग से उतर गया हो, तो इसलिए हम थोड़ा सा रिवीजन जरूर करेंगे। और इसके विषय में हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 8वां पद जो है वो पढ़ेंगे। यहां लिखा है, स्मरणा की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो ये कहता है कि। अब यहां पर जो है स्मरणा की कलीसिया मसीह का जो परिचय है, यहां पर जो प्रथम है, यहां पर लिखा ना जो प्रथम है और अंतिम है, यानी प्रथम का मतलब पहला वो वही है और अंत भी वही है। और परमेश्वर का वचन जो इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का आरंभ, आदि और अंत वही है। प्रभु यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है। अब यहां पर जो रहने वाला परमेश्वर है, जो बना रहने वाला परमेश्वर है, और यीशु मसीह के अंत तक बना रहने वाला जो परमेश्वर है, जो प्रभुओं का प्रभु कहलाता है, यीशु मसीह जो है मनुष्यों के पापों के लिए, यानी हम सबके पापों के लिए मर गया। कैसे मरा सबको पता है, किस तरीके से उसको यातनाएं दी, किस तरीके से क्रूस पर उसको किलो समेत ठोक दिया गया, और कैसे वो मर गया, कैसे वो गाड़ा गया, और अपने वचन के अनुसार, कथन अनुसार, और परमेश्वर के उस सामर्थ के द्वारा वो है तीसरे दिन जी उठा। और जब वो तीसरे दिन जी उठा तो वो क्या हो गया, वो युगान युग तक जीवित हो गया। अब वो मरने का नहीं है, जी हाँ, वो युगान युग तक जो है वो जीवित हो गया। वो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो किसके लिए जीवित है, वो मेरे और आपके लिए जीवित। अब क्या है इसका मतलब, क्या है वो जीवित होकर उसने ये दिखाया कि देखो मृत्यु कुछ नहीं कर सकती है, और मृत्यु पर उसने विजय प्राप्त कर ली। और जितने परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, वो कहता है यदि वो मर भी जाएंगे और मुझ पर विश्वास रखते हैं तो भी वो जीवित रहेंगे। तो मृत्यु जो है वो नाश हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जी हाँ, 7वां जो पॉइंट है इसका, सॉरी 6ठा जो पॉइंट है, 6ठे पॉइंट की बात कर रहे हैं, मसीह स्मरणा के दूत के कामों को जानता है। नवा पद है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। अब यहां पर क्या, देखिए एक बात दिमाग में हम बसा लें अपनी चीज कि स्मरणा की कलीसिया के विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तेरे काम को जानता हूं। देखिए प्रभु यीशु मसीह जो है हर एक के कामों को जानता है, मेरे और आपके कामों को भी जानता है। तभी तो परमेश्वर के वचन में बार बार एक बात रिपीट होती है कि वो उनके कामों के अनुसार उनका प्रतिफल देगा, हमारे कामों के अनुसार। अगर हमने अच्छा किया है तो हमें अच्छा प्रतिफल मिलेगा, यदि हमने बुरा किया है तो हमें बुरा प्रतिफल मिलेगा, ये ध्यान रखें। और वो स्मरणा की कलीसिया को यही संदेश दे रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। अब क्या कामों को जानता है, वो कहता है देखिए, अब ध्यान देने की बात है, जो बात वो स्मरणा की कलीसिया के विषय में कर रहा है या कह रहा है वही बात मेरे और आपके ऊपर भी लागू होती है। अब स्मरणा की कलीसिया के विषय में वो जानता क्या है, यहां लिखा है कि मैं तेरे कलेश को जानता हूं।
दूसरा क्या लिखा, दरिद्रा। दरिद्रा का मतलब होता है गरीबी, मैं तेरी गरीबी को जानता हूं। मगर यहां पर लिखा ना एक बड़ी अजीब सी बात है ब्रैकेट में, अगर आप पढ़ेंगे कि तू धनी है। इस विषय पर जरा इस पॉइंट पे ध्यान देंगे है? पहले हम ये देख लें प्रभु यीशु मसीह जानता क्या है कि तू गरीब तो है परंतु तू धनी है कैसे, इसके विषय में देखेंगे। मगर तीसरा जो पॉइंट है लिखा है, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। यानी जो परमेश्वर के लोग नहीं है और अपने आप को परमेश्वर का कहते भी हैं मगर दूसरों की निंदा भी करते रहते हैं, तो परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं उनकी निंदा को भी जानता हूं जो तेरी बुराई करते हैं, तेरे बारे में बुरा बोलते हैं, तेरे बारे में जो है उल्टा सीधा बात करते रहते हैं, मैं सब जानता हूं। ये तीन पॉइंट हैं जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जानता हूं। आइए पहले हम बात करेंगे कलेश के विषय में। इस मुलना का के समय के लोगों के ऊपर दो तरफा से कलेश आया, ध्यान दीजिएगा, दो तरफा से कलेश आया था। एक तो रोम के सम्राटों द्वारा आया था और दूसरा यहूदियों के द्वारा जो था वो स्मरणा की कलीसिया के ऊपर कलेश आया था। क्योंकि यहूदिया स्मरणा की कलीसिया का जो समय काल था वो 100 एडी से लेकर 313 एडी तक रहा है, 313 एडी तक रहा है, यानी 214 वर्षों तक का समय काल रहा है। और इन 214 वर्षों में लगभग रोम के जो सम्राट हुए 44 हुए, 44 रोम के जो सम्राट हुए हैं, और उन्होंने जो है बहुत ज्यादा मसीही लोगों के ऊपर बहुत कलेश कर रखा था, बहुत दुख देते थे, बहुत पीड़ा देते थे, यहाँ तक कि लोगों को भूखे शेरों के आगे डाल देते थे, उनके बहुत से बड़े जानवरों को की खाल को उतरवा कर और उसमें जिंदा मनुष्यों को डालकर, मसीही लोगों को डालकर और उनको सिलवा देते थे, जवान बहनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे कि उनकी छातियों को काट देते थे, बहुत सी ऐसी चीजें रही हैं, उनको जो है वो दुख मिला है। परंतु 313 एडी में जब कॉन्स्टेंस फर्स्ट जो था, जब वो राजा बना तो उसने मसीही लोगों को स्वतंत्रता दे दी, मगर तब तक जो था इस मुल्ला की कलीसिया का समय काल जो था वो समाप्त हो चुका था या होने वाला था 313 में। और मगर उन्होंने बहुत दुख सहा है, यहूदियों से भी, इसराइलियों से भी और रोम के सम्राटों द्वारा भी जो है उन्होंने बहुत दुख जो है उन्होंने सहन करा है। कॉन्स्टेंस फर्स्ट की बात कर रहे थे तो कॉन्स्टेंस फर्स्ट का जन्म जो है वो 27 फरवरी 272 AD में हुआ है और उसकी मृत्यु जो है 22 मई 337 AD में हुई है। और उसने जो राज किया है 306 AD में जो है वो सम्राट बना और 306 AD से लेकर 337 AD तक जो था वो रोम पर सम्राट रहा। और 313 में जो था, जब वो 306 AD में सम्राट बना और 313 AD में उसने मसीही लोगों को स्वतंत्रता दे दी थी कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे, अपनी वर्शिप कर सकते थे, और इस तरीके से उसने वो कर दी। और भी बहुत सी कहानियां हैं जो रही है उस समय। और यहूदी द्वारा जो कलेश है, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और नहीं है पर शैतान की सभा है, उनकी भी निंदा को जानता हूं, यहां पर परमेश्वर कह रहा है। यानी मसीह के जो लोग हैं, जो अपने आप को प्रभु कहते हैं, यहूदी कौन थे, परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के जन थे, मगर इसके बावजूद भी वो अपने आप को यहूदी भी कहते थे और दूसरे के ऊपर क्लेम भी लगाते थे, लाछन भी लगाते थे, इसका मतलब क्या है, वो यहूदी नहीं है। परमेश्वर कहता है कि वो यहूदी नहीं है क्योंकि वो मेरे लोग हो ही नहीं सकते, वो कलेश दे रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा है कि तुम किसी को कलेश दो। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। जब वो प्रेम करने वाली बात करता है और हम अपने आप को मसीह कह रहे हैं, अपने आप को प्रभु के लोग कह रहे हैं, अपने आप को प्रभु के सेवक कह रहे हैं, और उसके बाद हम कलेश भी कर रहे हैं, हम दूसरे के ऊपर कलेश कर रहे हैं, हम दूसरे पे की निंदा कर रहे हैं, हम दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तो हम मसीह के लोग नहीं हो सकते। वो कह रहा है कि वो अपने आप को जो यहूदी कहते हैं परंतु वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, वो यहूदी है नहीं, यानी परमेश्वर के लोग वो है नहीं। अब हम यहाँ पर लिखा ना, जैसे हमने कहा दरिद्रता का मतलब गरीबी, गरीबी का मतलब यहाँ पर जो है वो बहुत गरीब थी, स्मरणा के कलीसिया के लोग जो थे बहुत गरीब थे। अब गरीब होने का एक कारण भी था उनका, क्या कारण था कि बेचारे वो कहाँ कमाई करने जाएं,
कहां वो रोजी रोटी कमाने जाएं, किस तरीके से वो अपने परिवार का पालन पोषण करें, क्योंकि एक मसीह होने के नाते यहूदी लोग भी उनके दुश्मन थे, इसराइली भी उनके दुश्मन थे, और रोम के जो सम्राट रहे, जो रोम के रोमी लोग रहे, वो भी उनके दुश्मन थे। एक तो उनको मसीह होने के नाते कोई काम नहीं देता था, दूसरा अगर वो इधर उधर जाकर काम भी करते थे तो उनको करने नहीं दिया जाता था, जिनसे उनकी माली हालत जो थी वो बिगड़ती चली गई थी। और प्रभु इस बात को जानता है कि तू गरीब जरूर है, तेरी माली हालत जो है वो ठीक नहीं है, और बहुत तूने दुख सहे हैं, भूखा प्यासे रहे तेरे तेरे लोग और तेरे परिवार के लोग, तेरे बच्चे लोग। मगर इसके बावजूद भी वो एक बात कहता है, ब्रैकेट में एक बात आई है कि तू धनी है। यहाँ धनी होने का मतलब क्या है कि तूने इस प्रभु यीशु मसीह भी कहता ना, इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। उसने स्वर्ग में धन इकट्ठा किया अपने लिए, उस यानी जब वो स्वर्ग, स्मरणा की कलीसिया के लोग जब स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो स्वर्ग के अंदर उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज की घटी नहीं होगी, क्योंकि वो सारी कमी सारी घटी को कौन पूरा करेगा, प्रभु पूरा करेगा उनको। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहता है कि तू धनी है, पृथ्वी के ऊपर तू गरीब दिखाई दे रहा है, पृथ्वी के ऊपर तेरे पास कोई चीज नहीं है, पृथ्वी के ऊपर तेरे पास पालन पोषण के लिए, खाने पीने के लिए, रहन सहन के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, तू बहुत परेशान है, तेरे लोग परेशान है, तेरे घराने के लोग परेशान है, तेरे परिवार के लोग परेशान है, मगर तू चिंता मत कर, तू धनी है, मेरी नजरों में तू धनी है और तूने बहुत धन कमाया है और उसका प्रतिफल जो है तुझे स्वर्ग में मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है जो परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है। जब आप पढ़ेंगे ना पहला कुरिन्थियों 1:5, वहां लिखा है तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हो। देखिए आप किस चीज में धनी हैं, ये समझने की बात है। स्मरणा के लोग जो थे, बशर्ते संसारिक के भोजन वस्तुएं या संसारिक चीजें नहीं थी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, परंतु यहां पर परमेश्वर क्या कहता है कि स्मरणा की कलीसिया क्या है, तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हो। यानी परमेश्वर ने उन्हें धनी किया, किस बात में, वचन में धनी किए गए। सही में अगर आप वचन में धनी हैं तो फिर आपसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि आपके आगे कोई टिक नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता। और सारे ज्ञान में, यानी परमेश्वर का जो ज्ञान है भेद भरा, वो सब उसने आपके ऊपर उंडेल दिया। वो क्या कहता है ना, जब आप यिर्मयाह 33:3 पढ़ेंगे, वो कहता है मुझे पुकार, यानी मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा और वो कठिन और ना समझ में आने वाली बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इस स्मरणा की कलीसिया के पास वो सारे भेद और रहस्य जो थे परमेश्वर ने खोले थे, सारा ज्ञान अपना प्रकट कर रखा था, इसलिए वो धनी था। दूसरा है, जब आप दूसरा कुरिन्थियों और 8 और उसका 9 पढ़ेंगे, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। एक बड़ी अजीब सी बात है भाई, कोई अगर कंगाल बना है, हमारे लिए कोई कंगाल बन गया तो हम धनी कैसे हो जाएं? अब यीशु मसीह जो है वो क्या था, वो कहता है कि यीशु मसीह, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गए। यह बात बिल्कुल सच है। स्वर्गीय शांति को छोड़कर, स्वर्ग में जो स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते थे, एक आवाज में स्वर्गदूत तुरंत उपस्थित उसके सामने हो जाते थे, जो वो कहता था, जो आज्ञा देता था वो करते थे, उन अच्छी फैसिलिटी को छोड़कर, उन सेवा को छोड़कर जो है, जो स्वर्गदूत उसकी क्या करते थे, इस पृथ्वी पर आ गया। अब प्रभु यीशु मसीह अगर चाहता तो किसी महल में भी वो जन्म ले सकता था, बहुत आलीशान महल में भी वो जन्म ले सकता था, मगर उसने अपनी ऐसी व्यवस्था करी जन्म लेने की कि वो कहां पर पैदा हुआ, गौशाले में पैदा हुआ, गौशाले में, ऐसी जगह में पैदा हुआ कि जहां लोग रह नहीं सकते भाई, वहां पर भैंस की गंदगी है, गाय बकरियों की गंदगी है, और वहां से बास आती है, सब कुछ आता है। उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह, यानी इतनी गरीबी के अंदर प्रभु यीशु मसीह चला गया, क्यों, ताकि हम जो गरीब लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उससे मिल सके, उसके पास आसानी से पहुंच सके,
और उसकी उन बातों को, उन सामर्थ को ले ले, जिसने उस सामर्थ को प्राप्त कर लिया है वो धनी हो गया। और यीशु मसीह कहता है कि मैं गरीब इसलिए बना, मैं इसलिए गरीब रहा ताकि तुम धनी बन जाओ। क्यों धनी बन जाओ? क्योंकि जब मैं स्वर्ग में जाऊं तो तुम भी मेरे साथ स्वर्ग में रहो, और स्वर्ग में फिर वो आनंद करो कि तुम्हारे पास किसी भी प्रकार का कलेश, किसी भी प्रकार का दुख, कोई भूख, कोई प्यास, कोई भी चीज ना रहे, किसी भी चीज का एहसास आपको ना होने पाए। वहां पर जो है परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। फिर है तीसरा पॉइंट है, पहला तिमिथियों 6:18। भले कामों में धनी बनो। मैं यहां पर सिर्फ पॉइंट पढ़ा है मैंने, भले कामों में धनी बनो। अब इस स्मुर्ना की कलीसिया क्या थी? देखिए, इतने कलेश के बावजूद भी चारों तरफ से उसको कलेश था। एक तो यहूदियों द्वारा था, इसराइलियों द्वारा था, रोमियों के द्वारा था, फिर उनकी तंगी मुसीबत जो थी, आर्थिक व्यवस्था के द्वारा उनके पास जो थी तंगी मुसीबत थी, और इसके बावजूद भी उन्होंने भला करना नहीं छोड़ा, भलाई के काम में वो लगे रहे और भला करते रहे। और याकूब 2:5 में क्या लिखा है, यहां पर भी पॉइंट पढ़ रहा हूं, सिर्फ विश्वास में धनी हो। सबसे जरूरी बात कि विश्वास में धनी हो, यानी स्मुर्ना की कलीसिया इतना सब कुछ सहन करने के बाद, इतनी मुसीबत, अगर आज इतनी मुसीबत मेरे आपके ऊपर आए तो मेरे ख्याल से हमारा आपका विश्वास डगमगा जाएगा। साहब, हमें यहूदियों से भी कलेश मिल रहा है, हमें इसराइलियों से भी कलेश मिल रहा है, हमें रोमी सम्राटों से भी कलेश मिल रहा है, और ऊपर से तंगी और मुसीबत के द्वारा परेशान हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम भूखे हैं, और हमें अर्निंग के साधन हमारे नहीं खुले हुए हैं, कमाई का कोई साधन नहीं है, हम अपने बच्चों को एक वक्त के, दो वक्त की तो रोटी छोड़ दीजिए, एक वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खिला पा रहे हैं। ऐसे में उस विश्वास को मेंटेन करना, बनाए रखना प्रभु के ऊपर बहुत मुश्किल पड़ जाता है, बहुत ज्यादा। मगर स्मुर्ना की कलीसिया ने बनाए रखा, और इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, उसकी इन सब चीजों को देखता है और क्या कहता है, तू गरीब तो है, तू गरीब है, जरूर तू गरीब है, संसारिक रीति से तू गरीब है, परंतु आत्मिक रीति से तू धनी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सही में संसारिक वस्तुएं क्या है, संसार के साथ नष्ट हो जाएंगी, परंतु आत्मिक वस्तुएं कभी नष्ट नहीं होती है। तो हम आत्मिक वस्तुओं के धनी हो और स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। और वो क्या कहता है, सबसे पहले उसके धर्म, उसके राज की खोज करो, ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, जो हमारी जरूरत है वो देगा। और इसलिए हमें संसारिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से धनी बने। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, स्मुर्ना की कलीसिया के समान हम गरीब क्यों ना हो, मगर प्रभु हमसे कहे कि तू धनी है, और इस विश्वास के साथ अपने आप को जीवित रखें और प्रभु के आने की राह देखें, ताकि उसके साथ उसके राज में प्रवेश करके उस धनवानों की तरह, जो इस पृथ्वी पर जिस तरीके से धनवान आनंद लेते हैं, उससे भी दुगना और उससे भी कहीं 4 गुना आनंद, और बहुत अच्छा आनंद, और कभी ना खत्म होने वाला आनंद जो है हम प्राप्त करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष।